पीछे जाओ पीछे पीछे हो जाओ यहाँ से सब पीछे हो जाओ। वेरी गुड नाइस हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ये कितना मॉडल लाठी मार रहा है जाल में बंद हो रहा है। अरे बंद नहीं है, इधर साइड से जाल खुला हुआ है, नीचे से साइड से निकल के भागेगा। ये भैया छोटू छोटू बेटा सर अच्छा एक काम कर मेरे कहने पर आप जाके देख के आना। मेरे कहने पर आपको दो सर एक काम करना सुन तो लो, मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा फ्रिज की, तो आपको ट्रस्ट आ जाएगा। सर वो एक्चुअली लेता ही नहीं है। अरे कुत्ता पड़ गया कुत्ता बैंक एकदम भाग जाएगा। कह रहा उसे नीचे वाले को फोन कर रहा। यार यहाँ 300 ml 250 ml ये वाला चलता नहीं, यहाँ पर 250 ml लेते नहीं लोग बाग। हाँ हर बार साला जब भी आता है ना इसमें चिक चिक हो जाती है। 10 वाला खूब बढ़िया बेच लेंगे, 1 लीटर बहुत बढ़िया बेच लेंगे, ये दिक्कत है। पूरा मैच हो अगर ये बाई चांस खिला आ जाए तो भागना मत, कोई भी खेल सकता है। आज आपके घर पे तेंदुआ क्या पूरा? हाँ भैया तेंदुआ, पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई तेंदुआ है। किचन में मैं खाना बना रही थी, किचन की खिड़की में से मैंने देखा कि हमारे गेट पे कोई बड़ी सी चीज कूदी है। मैं ये नहीं समझ पाई कि है क्या, पूंछ दिखाई दी। उसके बाद हमारे घर के बाहर ये शेड पड़ा हुआ, उस पे आवाज आई। मैं किचन का अपना गैस बंद करके मैंने कहा देखती हूँ बाहर क्या चीज थी ये। बाहर निकली तो मेरे को बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी साइड से, उन्होंने कहा अंदर जाओ अंदर जाओ। मैं अंदर आ गई लेकिन ये नहीं समझ पाई कि है क्या। फिर मैंने अपने बेटे को उठाया, उनसे कहा, मैंने कहा बेटा देखना बाहर कोई बड़ी सी चीज आई है, कोई ये नहीं पता है क्या। बेटा बाहर निकला, उसने जैसे ही गेट खोलने को हुआ उसकी नजर पड़ गई हमारे गेट के अंदर ही साइड से, वो छुपा हुआ बैठा था तेंदुआ। ये भी डर का सहमे हुआ ये अंदर आया, इसने गेट बंद करा। आगे जो अड़ोस पड़ोस है फिर इसने फोन करके बताया कि ऐसे से तेंदुआ है और हमारे घर के अंदर ही बैठा हुआ है ये। घर के अंदर मेरी दोनों बहुएं थी, मेरा बेटा था, पोतियां थी मेरी और मैं भी थी। मैं भी, ये लोग तैयार हो रहे थे, ये भी स्कूल जाने के लिए, बच्चे भी। वो तो शुक्र है कि अगर 2-4 मिनट बाद ही वो होता तो शायद पता नहीं क्या होता। उस समय सब घबराए हुए थे, सब दहशत में थे कि करें तो करें क्या, और हकीकत में फोन करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसको क्या करो। लेकिन पुलिस को फोन किया, हमारे पड़ोस वालों ने, सब बाहर से करा लोगों ने। पुलिस ये तो पुलिस वाले बाहर ही थे और हमें दिख भी रहे थे, हम किचन से देख रहे थे। उन्होंने फोन करके भी कहा घबराओ नहीं, हम लोग आ गए हैं,
किसी चीज के, वो दरवाजा मत खोलना, आप अंदर बंद होकर बैठे रहो। हैं जी, अब धरे हुए तो अब भी हैं क्योंकि अभी वो पकड़ में तो आया नहीं है, हालत तो ये भी है। कितना समय यहाँ तेंदुए ने, डेढ़ दो घंटे बिताए हैं यहाँ, पूरे डेढ़ दो घंटे बिताए। उधम नहीं काटा उसने, शांत बैठा हुआ, वो डरा हुआ था। आठ सवा आठ के बीच का टाइम है, जब उसकी एंट्री हुई है, 8:15 का टाइम था और वो 10 बजे के बाद करीब यहाँ से निकला है। भैया जब मैं यहाँ से बाहर निकला, मुझे मम्मी ने बोला कि बाहर देख क्या है, कुछ है, कुछ जानवर है, क्या है। फिर मैं गेट पे आया, बाहर देखा तो पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले कह रहे अंदर रहो, बाहर मत निकलो। तो मुझे पता भी नहीं था है क्या चीज़। जब मैं यहाँ से गेट पे से अंदर वापस आ रहा, मैंने कहा चल यहाँ पे मेज वगैरह रखी, मेज पीछे कर दिया। तो जैसे ही मैंने मेज की तरफ गया तो पीछे बैठा वो देख रहा था। तो इतनी देर में फिर मैं अंदर आ गया। फिर तब मैंने बाहर पुलिस वालों को, ये खड़े थे पड़ोसियों को, इन्हें फ़ोन किया कि भाई तेंदुआ यहीं बैठा है। फिर उन्होंने जाल वाल भी लगाया, डेढ़ घंटे तक तो यहाँ रहा, डेढ़ दो घंटे जाल में से यहाँ से दीवार कूद के वो जाल में फंसा। कम से कम 10 से 15 मिनट जाल में फंसा रहा, पर पकड़ में नहीं आया वो इनके, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई इंजेक्शन दिया उसे ना कुछ। जैसे आस पास में कोई जंगल भी नहीं है, रिहायशी एरिया है, क्या मानते किस तरीके से तेंदुआ कहाँ से? ये पहले तो पीछे सब जंगल ही हुआ करता था, खेती थे। आज की डेट में तो प्लॉट प्लॉट सब बन गए, सोसाइटियाँ बन गई, अब जानवर का शहरों में ही आएगा। सर कुछ अपडेट बता दीजिए, क्या क्या स्थिति है? हम लोग आराम से दे देंगे, हम लोगों की पूरी प्लानिंग थी, हम लोग पूरा एग्जीक्यूट करने वाले थे, लेकिन शोर की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। हम आपको बाइट अलग से दे देंगे, हम लोग ऑपरेशन जारी है। सर कौन सी लोकेशन है, कितने लोग हैं यहाँ पर? जितना भी प्लानिंग के साथ में हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया था, एग्जीक्यूट भी उस हिसाब से होना था, बट भीड़ की वजह से जो आवाज़ थी उसकी वजह से विचलित हो जाता है वन्यजीव, जो कि हम अभी भी अनुरोध कर रहे हैं सभी से कि वन्यजीव को बिल्कुल शांति से, शांत रह के हम लोगों को बचाना है, अपनी भी सुरक्षा करनी है। तो लोगों से अनुरोध है कि अपना जो है धैर्य बनाए रखें। टीम यहाँ पर मौजूद है, हम लोग की पूरी प्लानिंग से एग्जीक्यूट हम लोग कर रहे हैं। बस हमें 5-10 मिनट के समय और चाहिए था, जो हम लोग प्लान कर रहे थे हमें स्टार्ट करना था, जो कि हम लोग नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ पब्लिक। थोड़ा सा सभी से अनुरोध है कि हम लोग जैसे हम लोग पहले भी करते आए, हम लोग सफल ऑपरेशन करते रहे हैं। यहाँ पर पूरी टीम हमारी मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। सभी से अनुरोध है कि कृपया धैर्य बनाए रखें, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे आराम से। सर आर्मी की टीम को भी रेस्क्यू के हिस्सा बनाया जा रहा है, सभी लोगों से संपर्क में है, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा लेंगे आराम से। आप स्ट्रेटजी बदलनी पड़ रही है क्योंकि प्लान बदलना पड़ता है। तेंदुए को पकड़ने के लिए उपकरण के कमी, सारे उपकरण हमारे पास हैं, ट्रैंक्विलाइजिंग गन मौजूद थी, डार्ट भी मौजूद थे, डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। हमें एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान चाहिए होता कि कहाँ एग्जीक्यूट उसको करना है। 10 मिनट तक तेंदुआ जाली में फंसा रहा, उस दौरान उसको पकड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया गन शॉट से? उसको नहीं किया जाता है। डार्ट कहाँ लगनी चाहिए, कितनी डार्ट लगनी चाहिए, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसी के हिसाब से एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो पूरा आपकी टीम यहाँ पर लगी हुई है। आप लोग अनुरोध है आप लोगों से भी कि आप लोग सहयोग इसमें करेंगे तो जल्द से जल्द हम लोग ऑपरेशन कर पाएंगे। धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।